दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी और बहुत ही बड़ी कंपनी। आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस काफ़ी समय से बहुत नीचे दिखाई दे रही है। साल भर से देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में टाटा स्टील में एक बहुत ही बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। और इसके पीछे वजह है इसका मर्जर प्लान जो बहुत ही जल्द फलीभूत होने वाला है। तो क्या ऐसे में हम इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर ले, क्योंकि काफ़ी लोगों के उनको लग रहा है कि टाटा स्टील फिर से 2 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। और इसके पीछे वजह थी यूरोपियन मार्केट में उनकी प्रॉब्लम। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है काफ़ी सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर गए, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और आप देखिए तो इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। इस बजट में उसके ऊपर प्रावधान रखे गए जिसका फायदा देखने को मिलेगा। रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टील की प्राइस स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पे वहाँ पे वॉलेटिलिटी है। और इस वजह से देखें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय में एक माहौल पॉजिटिव बनेगा। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्मेंट करना चाहिए, क्या नज़रिया रखना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म के लिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें, फ्राइडे को हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। आप देख सकते हो 5,807 के स्तर पे 0.91% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% गिरा निफ्टी मेटल। भले ही बाजार में माहौल पॉजिटिव हो लेकिन मेटल सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे टाटा स्टील में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 111 पर हुई, यानी निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो 112 के आसपास थी। लो आप देख सकते हो यही था, लेकिन जो इंट्राडे का हाई है वो 113 का है और क्लोजिंग अंत में 112 के आसपास रही। तो आप देख सकते हो कि 0.089% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल देखें तो दूसरे मेटल इंडेक्स के मुकाबले इसमें हमने थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी देखी है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो आप कुल मिला के देख सकते हो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है और अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोगों की रुझान बढ़ी हुई है जब से स्टॉक को स्प्लिट किया गया। आपको पता होगा 1000 के आसपास स्टॉक था, उसके बाद में इसकी फेस वैल्यू को 10 रुपीज़ से बदल के 1 रुपीज़ किया गया और इसकी जो प्राइस थी वो 100 के आसपास आ गई। और तब से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और लोगों को लग रहा है कि अब ये किसी प्राइस नीचे होने की वजह से फिर से इसमें तेजी की संभावना बनेगी और लोगों ने खरीदारी शुरू की है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है और 138 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 112 के आसपास है, एंट्री बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ टाटा ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें देखें तो जनवरी महीने में टाटा स्टील के अंदर भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी म्यूचुअल फंड की। अगर आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर भी 12 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, यानी जहाँ पे 5.71% की होल्डिंग थी दिसंबर और जनवरी में 5.84% हुई है। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 8.27% की होल्डिंग थी दिसंबर तक, जो जनवरी महीने में 8.35% हुई है। यानी समय म्यूचुअल फंड खरीदारी करें जम के, तो ये आप समझ ही सकते हो कि भले ही इस समय रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई दे लेकिन ओवरऑल यहाँ पे खरीदारी की जा रही है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने अपना फर्स्ट मल्टी मॉडल शिपमेंट कंप्लीट कर लिया है जो स्टील TMT बार्स का है, हल्दिया पोर्ट से बंगाल से टू अगरतला के लिए। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने जो अपना मल्टी मॉडल शिपमेंट करीब 960 टन स्टील TMT बार्स जो हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल है वहाँ से अगर देखें तो त्रिपुरा अगरतला वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे इन्होंने वो शिपमेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मौके इस मौके पे देखें तो पीयूष गुप्ता जो वाइस प्रेसिडेंट है GSP सप्लाई चेन के टाटा स्टील के, उनका कहना है कि इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिलेबल है और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के लिए दोनों के लिए यानी बांग्लादेश और इंडिया के लिए काफ़ी यूजफुल है और इस वाटरवे के माध्यम से देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम खर्च में जो है हमें बेटर सर्विस मिल रही है और ये हमारे लिए एक तरह से काफ़ी अच्छा आगे जाने वाले समय साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पोल्यूशन था उसमें कमी आएगी और ये जो हमारा लॉजिस्टिक रूट है इसकी वजह से डीकार्बनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है स्टील सेक्टर में। साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि टाइम बचेगा, कम समय में ये सफर पूरा होगा। इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी 2022 में 1800 टन का जो फिनिश स्टील प्रोडक्ट हल्दिया पोर्ट से वेस्ट बंगाल इन्होंने भेजा है,
तो कुल मिला के ये जो नया रूट है ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील समय इसलिए काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी, क्योंकि आने वाले समय में ये जितनी स्टील की कंपनी है वो सारी की सारी टाटा स्टील में मर्जर होने वाली है, और ऐसे में टाटा स्टील का कारोबार बढ़ने वाला है। और साथ में टाटा स्टील अपने ग्रीन स्टील के निर्माण की शुरुआत भी आगे आने वाले समय में करने वाला है, और ऐसे में अगर आप देखें तो टाटा स्टील का विजन बहुत बड़ा है। और आप देखें तो पिछले दिनों उन्होंने कुछ कंपनियां एक्वायर की है जिसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जिसका भी फायदा देखने को मिलेगा। अब कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो और कर्ज नहीं बढ़ाने वाले, यानी जो उनके पास फंड है उसी से जो उनके कारोबार को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कंपनी धीरे धीरे अपने डेट को कम करने की कोशिश करेगी, और ये काफ़ी अच्छी पहल है। और आप देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 33.90 दिसंबर में मामूली सी कम हुई है, पिछली बार सेप्टेम्बर में 33.92% के आसपास थी। बात करें FI की तो FI ने जम के खरीदारी की है, आप देख सकते हो 21.52% के आसपास होल्डिंग थी सेप्टेम्बर क्वार्टर में, दिसंबर में ये 21.87% तक पहुंच गई, यानी FI ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है। और आप समझ सकते हो FI ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनको शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाने को मिले। DI ने भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है, आप देख सकते हो 18.17% के आसपास होल्डिंग सेप्टेम्बर में, जो 19.62% हुई दिसंबर में, तो DI का भी ज़बरदस्त निवेश बढ़ा है। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग है 0.16% की, जो सेप्टेम्बर में बदली थी और इस बार भी अनचेंज है, यानी जून के मुकाबले गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग को कुछ बढ़ाया है यहाँ पे। और जो जनरल पब्लिक है उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है, सेप्टेम्बर में जहाँ पे 26.23% की होल्डिंग थी वो दिसंबर में 24.45% हो गई है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन यहाँ पे FI और DI ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड ने भी हमने देखा है कि इस बार होल्डिंग बढ़ाई है, तो ऐसे में क्यों ना आप दाव लगाएं जब FI, DI और म्यूचुअल फंड की तरफ के सबके सब यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, तो ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। अगर हम इसके रेटिंग को देखें तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ फिलहाल अभी इसका एवरेज कहा जाएगा, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक कही जाएगी। प्राइस स्ट्रेंथ अगेन एवरेज है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और वाकई कंपनी बहुत मजबूत लग रही है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है ज़्यादा तो आप देख सकते हो कि 114 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक इस समय एक 112 के आसपास है। सेकंड जो सपोर्ट है उसका 108 का है, ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा स्टॉक फिर से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, पर टूट गया तो फिर ये स्टॉक आपको 103 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में भी स्टॉक अभी भी 3 डिजिट में आपको दिखाई देगा, नीचे जाने की संभावना कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो रजिस्टेंस है 124 का, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 129 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और वहां तक पहुंच गया फिर आने वाले समय 135 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है इसमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, क्योंकि गिरावट में इसके नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है और तेजी से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही बाजार में साथ मिलेगा ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।